पहली वीडियो ऐसे ही डाली थी, मतलब रोस्ट किया था थोड़ा सा किसी को कि ये गलत है, किसको किया था, आमिर माजिद को। तो आप मेरा प्लान कर रहे हो अगला कि नहीं? नहीं नहीं, चलो करने में आदमी कर सकता है, मे भी अगर हमारी बात नहीं होती तो मैं कर देता आपको। अच्छा, आप लाइव रोस्ट करते हैं यार किसी को, आप बता दो अपनी मर्जी। मैं तो रविंद्र एनर्ज को उठाऊंगा वो भैया। फिर आगे वही बात, जय श्री राम का नारा हर कोई लगाता है, अगले मोड़ पे ना गाय हमारी कचरे के ढेर से कचरा खा रही होती है। आमिर माजिद बाय फेस मेरे यहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, छपरी की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो कैसे डिफाइन करोगे आप? पहले तो चाहे आप मुझे महीने का 5 लाख दे दो, पर मैं 180, 200, 250 कभी नहीं चला सकता। देखो, खुद भी आपकी एक अपनी फैमिली भी तो घर पे है, वो तो फेल दिए जाएंगे काफी टाइम से, मतलब है हिट लिस्ट में है। अगला अगले के पास कैमरा की जगह कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना हर बार रोड रेज आपकी स्क्रिप्टेड हो। एग्जैक्टली, अब आपके हाथे कोई चढ़ जाए या हमारे आगे कोई आ जाए तो अनस्क्रिप्टेड होगा, फिर वो अनस्क्रिप्टेड होगा। तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट, और शहर का फाइनेस्ट पॉडकास्ट है। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं लेके आया हूँ जम्मू के पहले रोस्टिंग मशीन को, जिसका नाम है विशाल सिंह। कैसे हो भाई? लोगों की इन्होंने ले लिया रोस्ट कर करके, चाहे वो मोटो ब्लॉगर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो रिपोर्टर्स हो, है ना, जो इन्हें दिखता उनकी ये ले लेते हैं। तो कब से ये लेन देन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, कि जो क्या कहते हो अपनी भाषा में ज्ञान की तितलियाँ जो है अपने लोगों की लाई है, कब से ये मतलब सीन जो है शुरू हुआ? 3 साल पहले नॉर्मल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, नॉर्मल व्लॉग्स बनाए थे। फिर उसके बाद मतलब देखा रील्स पे, देखा मतलब यूट्यूब चैनल्स पे देखा कि मतलब व्लॉगिंग के थ्रू व्यूज तो लोगों के आ रहे थे, लेकिन एक तो लोग कमा रहे हैं। तो मेन वही है कि पैसे के लिए हर कोई करता है, पर एक गलत मैसेज भी जा रहा था। चाहे आप मोटो व्लॉगिंग को ले लो, चाहे आप नॉर्मल, ये बोल रहे हैं, मैं बोल रहा, चाहे आप नॉर्मल लाइफस्टाइल व्लॉग में ले लो किसी भी वे में। और मैंने जब मेरे को पता चला कि भाई रोस्टिंग ही कर रहा है, और मेरे को बताया किसी ने, और मैंने चेक करा, मैं यार ये तो बहुत सही करा। फिर मैंने भाई को कॉल किया और मैंने कहा कि यार भाई मेरे को भी रोस्ट करो। नहीं भाई, कहते नहीं यार मैं नहीं करता। मैं कहा नहीं, तू नहीं कर करते। फिर भाई फोन करा था वो, स्पार्सी रोस्टिंग करा थी। पहली वीडियो ऐसे ही डाली थी, मतलब छत पे खड़े होके कि रोस्ट किया था थोड़ा सा किसी को कि ये गलत है, किसको किया था, आमिर माजिद को। क्या बात है, जोर से बोलो। उस टाइम क्या था, उस टाइम क्या था, सारे मतलब अब कोई गलत भी है ना, आपके पास ऑडियंस है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके पास ऑडियंस है। ये बोलेगा कि नहीं मैं इसके साथ देता हूँ, मुझे उस चीज से फायदा होगा। बट मैंने उस टाइम बिल्कुल अपोजिट किया, मैंने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे वो गलत था। अच्छा। और उस वजह से मेरे पास जो एक पॉजिटिव ऑडियंस थी वो आ गई। तो 2 वीडियोस मैंने कंटिन्यूअसली डाली हफ्ते के अंदर, उसी को ठोका। हाँ, उसी को ठोका। मुझे ये समझ आ गया कि लोगों में अगर कुछ गलत है तो कुछ लोगों को क्वालिटी कंटेंट भी चाहिए। तो फिर बस उसी से ही शुरुआत हो गई। और उस टाइम पे मुझे मतलब अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, मेरे पास एक ऐसी कलम है जिसमें मैं किसी पे भी देख के मैं उस पर रोस्ट कर सकता हूँ। एट प्रेजेंटली अगर मेरे को कोई किताब और पेन दे दे और 2 मिनट दे दे अगले बंदे के लिए, मैं उसको खत्म कर दूंगा। हाँ, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा होगा, चाहे उसमें जितनी मर्जी अच्छाई होगी, पर एक ऐसी बुराई होगी जिसपे मैं उसे रोस्ट कर सकता हूँ। सही है। तो वही वैसे ही देखते रहे। तो आप मेरा प्लान कर रहे हो अगला कि नहीं? नहीं नहीं, चलो करने में आदमी कर सकता है। तो मतलब फिर वही है कि कोई भी रील दिख गई, उसमें अगर कुछ एक लाइन भी गलत है तो मैं उस पर रोस्ट कर सकता हूँ। जैसे आपने शिवपन की बात करी, उसमें मैंने नॉर्मल उसकी रील देखी थी, मैं नहीं जानता था वो रिपोर्टर है। उन्होंने वो अभी मैं चेक कर रहा हूं, डिटेल्स बताई थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं रोस्ट करूंगा। तो मैंने नॉर्मल बैठा हुआ था बेड पे, तो मुझे कंटेंट दिखता है रील्स में किसी के ब्लॉग की 2 लाइनों में, ठीक है। तो मुझे उसकी रील्स में जो उसने बोला था उसमें उसको कंटेंट दिख गया, तो मैं उसी टाइम बैठा, मैंने लिख दिया और वही रील मैंने डाल के अपलोड कर दी। और मैं भी उसे लगा कि सोच समझ के रोस्ट किया, पर मैं नहीं जानता था कि वो कौन है क्या है, मैंने रैंडमली रोस्ट किया था। तो वैसा ही है, मतलब अगर आपको रोस्ट करना है तो आपको चीजें पकड़ना पड़ेंगी, कैच करना पड़ेंगे। अब जैसे मुझे बहुत टाइम पहले बोला था कि स्मॉल टाउन राइटर को रोस्ट करो, तो मैं उसे रोस्ट करने में आज कर दूं, पर फिर वही बात आती है जिसको दिल से मन ना करे रोस्ट करने का। तो नहीं, अब है कोई मतलब बकेट लिस्ट पे है कि यार इस बंदे को रोस्ट करना है? एक्चुअली मैं बात बताता हूँ, मैं अपने ही घर पे था, मेरे पास मेरा भाई आया, आपकी रील थी एक, वो जो आपने बोला था बाबू प्लाजा में बहुत छपरी घूम रहे आजकल, तो एक वो थी। और एक मैंने ये नहीं बोलता, मैंने कहा था कि यार बाबू प्लाजा को जो है वो छपरी का अड्डा डिक्लेयर कर, हाँ, डिक्लेयर कर दिया, कर देना चाहिए। तो उस टाइम मैं नहीं जानता था, पर ये देखा था मैंने कि आप पॉडकास्ट वगैरह करते हो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे, तो बोलता इसको रोस्ट कर यार। तो मैंने कहा यार रहन दे यार, छोड़ पर। मैंने ना बड़ा, मेरे को उस टाइम से ये था कि ग्रीन कलर के बालों वाला एक लड़का है कोई जम्मू में जो
पॉडकास्ट वगैरह और इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव है। फिर उस दिन मेरे को पता चला कि अच्छा आपका ये काम है तो आप ये करते हो, अदरवाइज करने को मे भी अगर हमारी बात नहीं होती तो मैं कर देता आपको। नहीं अब तो करना पड़ेगा। चाचू ग्रीन टी बोल रहे बोलते ही दो ग्रीन टी और बोल लो। सही 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 कट नहीं होता भाई। अच्छा तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे अच्छा रोस्ट करने का किसको मजा आया? सबसे अच्छा किया था मैंने मतलब आमिर माजिद को ही किया। अच्छा उन्हीं को किया। उसके बाद जानू को किया था। जानू को? अच्छा जानू, जानू स्टंट्स वाला। हाँ, हाँ मैंने किसी को नहीं छोड़ा था। अच्छा मतलब देखो ना आप अगर मैं अब रोस्ट कर रहा हूँ तो मेरा मैं किसी को अगर रोस्ट कर रहा हूँ तो वो मेरी लाइफ सिर्फ यूट्यूब तक है। कैमरा ऑन किया, रोस्ट किया, कैमरा बंद, बात खत्म। उसके बाद पर्सनली मैं उसे नहीं जानता। आर्टिस्ट की अपनी लाइफ है। हाँ, वो मुझे नहीं जानता। अगर वो पर्सनल लाइफ में मेरी घुसेगा तो भाई फिर हम भी नहीं, कोई है घुसा कोई नहीं। आमिर माजिद के मतलब सब्सक्राइबर्स कई बार मेरे को कमेंट्स में तुझे देख लेंगे, तुझे वो कर लेंगे, आमिर माजिद तुझे ऐसे करेगा। आमिर माजिद बाय फेस मेरे यहाँ बैठा हुआ था सिदड़ा में, वो जो इनका कैफे है ना वहाँ की बात है। अच्छा। तो मैंने इसको रैंडमली देखा, फिर मैंने कहा चलो यार एक बंदे से हो जाता है, देख लेते हैं कि उसको भी पता चल जाएगा जो रोस्ट कर रहा है अगला बंदा वो। मैं गया उसके सामने से कॉफी ली, देखा उसने वापस वैसे आगे कोई रिएक्शन नहीं। 10-15 छपरी थे आगे पीछे। अच्छा छपरी की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो कैसे डिफाइन करोगे आप? अब ये वाली रील भी निकलेगी मेरे को पता है। पहले तो पहले मैं, फिर उसके बाद लाइन लगती है जब कौन कौन है उस पे। देखो यार भैया छपरी का अगर एक नाम नहीं है, छपरियों के बहुत से नाम है जो हरी पीली नीली बाइक वाले, हाँ ठीक है, और हरे भरे टोपे वाले जो हेलमेट पहन के निकल जाते हैं। देखो यार एक अच्छी खासी इन्होंने फील्ड को ना बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया। और मैं ये पूछूंगा कि यार अगर चलो भाई चार तुमने हरी पीली नीली खेली भी, हाँ तो सिदड़ा में ये जो दौड़ाते हैं भाई, हाँ देखो ओवरटेक कर रहे हैं, मैच चलाते हैं, वो जरूरी है क्या? मिलियन सब्सक्राइबर होना जरूरी नहीं है। देखो आप क्या करते हो कि एक तो आप अपनी ना जान इतनी ज्यादा जोखिम में डाल रहे हो, किसके लिए? सब्सक्राइबर्स के लिए। मानता हूँ पैसा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर इतना भी नहीं है ना कि आप डू और डाई वाला काम करो हर दिन। एक दिन किस्मत की भी है। हाँ देखो आप जितने मर्जी आप प्रोफेशनल हो, आपको बहुत अच्छी बाइक चलाना आती है, किसी एक दिन अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया ना तो उसका कोई रिजल्ट नहीं, सिर्फ डेथ। सही। उसके बाद कुछ नहीं। और घर वालों ने कितनी उम्मीदें लगाई हैं हर किसी से। अब देखो मैं भी मतलब मोटो व्लॉग, अब मुझे बोले बाइक चलानी है, मैं चाहे आप मुझे महीने का 5 लाख दे दो पर मैं 180, 200, 250 कभी नहीं चला सकता। मेहनत करके आदमी वैसा कमा सकता, पर ये चीज नहीं होती। देखो खुद भी आपकी एक अपनी फैमिली भी तो घर पे है, फेम लेनी है। मानता हूं मैं बहुत कीड़ा होता है फेम का। देखो पैसे आने की जो एक खुशबू होती है ना मेहनत का पैसा, वो अलग है जो आपने खुद बीच में घुस के बनाया अपने बिजनेस के। और एक चीज और थी मेरा डेयरी फार्म स्टार्ट करने के, कि बहुत से जो मेल काफ होते ना ये इसका ना, हाँ बछड़े, ये बहुत मतलब इनके खज्जल हो रहे थे। और मैंने इनका क्या अल्टरनेट निकाला कि जो आपकी फीमेल है वो तो आपको पैसा दे रही है, और जो मेल है वो आपको किस तरीके से पैसा देगा? फर्टिलाइजर बना के। पंजाब में बहुत सप्लाई है फर्टिलाइजर की, बर्मी कंपोज। चलो देखो जहां आपने 10,000 कमाना है आप 5 कमा सकते हो, और 7-2-3 आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो, उनका गोबर तो वो कर ही रहे हैं। उसका फर्टिलाइजर बना के हाँ आप अमेजोन पे बेचो, फ्लिपकार्ट पे बेचो। आजकल तो गाउडंस बिक रहे हैं, बिक रहे हैं, हर चीज बिकती है। वही है कि बेचने का एक तरीका, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। इस बिजनेस में अमूल का 5400 करोड़ का बिजनेस है एक साल का। अच्छा। और वो किससे कमा रहे हैं? हम ही गांव के लोगों से। तो आपको वो चीज समझना बहुत जरूरी है कि फायदा आप उठा सकते हो पर आप घुसना नहीं चाहते उस फील्ड में। बड़ी अच्छी बात करता है, मेरे को लगा बकचोदी करता है लड़का, मैं चोर है। अच्छा अब लाइव रोस्ट करते हैं यार किसी को, शहर में उठाते हैं 4-5 लोग शहर में। हाँ आपकी मर्जी के दो, मेरी मर्जी के दो, आपकी मर्जी, आप बता दो अपनी मर्जी। मैं तो अरविंद रैना जी को उठाऊंगा। ओ भैया फिर आगे वही बात, जय श्री राम का नारा हर कोई लगाता है, अगले मोड़ पे ना गायें हमारी कचरे के ढेर से कचरा खा रही होती है। क्या फायदा वैसे जय श्री राम का नारा लगाने से? ये बात मेरे को बता दो। बिल्कुल बिल्कुल यही है। हर कोई भैया अपनी अपनी सीट के लिए, किसी को किसी की कोई टेंशन नहीं पड़ी। आप बता दो मुझे, इसी चौक से हम बाहर निकलेंगे ना, एग्जैक्टली नारा हम यहाँ पे लगाएंगे इस बिल्डिंग के पास जय श्री राम, और अगले चौक पे गाय कचरे से घास खा रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके आपकी भी मर्जी क्या है? मर्जी यही है भैया, अगर आपको कोई पोजीशन दी गई है, आपके पास पावर है, हर चीज है, लोगों ने बनाया, आम लोगों ने आपको बनाया, तो एटलीस्ट जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हो तो वो जिन्होंने बनाया उनको तो देखो। अच्छा आपके वही के बाबा चंचल,
वो तो मेरे पड़ोसी है। बस फिर मंत्र नहीं, वो भी ठीक है अपनी जगह, रौनक मेला हो जाता है, एनर्जी बहुत है उनमें, मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए, होनी चाहिए अगर आपको इस फील्ड में आना तो, इतना तो बनता है। और ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम भी बहुत करते हैं वो, बहुत ज्यादा। कुछ कहोगे टिप्पणी, कोई टिप्पणी? क्या अच्छा लगता है फेवरेट उनका आपको? फेवरेट तो डांस ही है। डांस के तो वो तो हम जम्मू वालों के फेवरेट ही है डांस। सही। और तीसरा अपने हमारे अपने आशीष कोहली। मैं देखो वही बात आ गई, अब क्रिएटर को, जब क्रिएटर को लगेगा ना कि मैं अब आ गया उस लेवल पे, देखो हर बंदे ने आपको, ऑडियंस ने ना नीचे से ऊपर जाते हुए देखा, अब जब आप ऊपर बैठ गए और आपकी ऑडियंस नीचे, आप आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे ना, फिर मजा नहीं आता देखने का। अब किसी का कुत्ता चोरी हो गया, वो रिपोर्टें घुमाने लग जाओगे, और ये नहीं आप देख रहे कि देना क्या है। देखो यार, एक होता है कि किसी की, मतलब अब आप एक पोजीशन पे हो, मैं लग जाऊंगा आप ही को कवर करने, जो नीचे क्रिएटर्स हैं या कोई भी है, मैं उनको पूछूंगा नहीं, मतलब आप ही के साथ हर चीज, आप मुझे यहाँ से फायदा है, पर ये नहीं देखना कि अगर वो आज यहाँ, वो भी उनमें से कोई उठ के यहाँ पहुंच सकता है। एग्जैक्टली, मतलब किसी को एनकरेज करना, समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजें। सही है, चलो जाते हैं। आपका कोई फेवरेट ब्लॉगर या फिर कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी कुछ? फेवरेट ब्लॉगर तो को आप रोस्ट करने बड़ा मजा आता है यार। अभी फिलहाल तो स्मॉल टाउन राइडर का है। बस फिर पेल दो। वो तो पेल दिए जाएंगे काफी टाइम से, मतलब है हिट लिस्ट में है कि मतलब आने वाला, हाँ मतलब एक दो हफ्ते में, एक दो हफ्ते। और क्या चीज जो है सही लगती है उनकी, क्या पकड़ा आपने? उनका मतलब जो पहले व्लॉग था ना, उसमें और इस टाइम पे मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो चीजें मतलब वो व्लॉग वीडियो में ही दिखेंगी तो अच्छा लगेगा आपको कि क्या क्या चीजें पकड़ी हैं। हाँ मतलब देखो, जब मुझे लगता है ना कि इसको रोस्ट करना चाहिए, मैं तभी करता हूँ, पहले नहीं लगता था, पर अब प्रेजेंटली मेरे को लगता है कि नहीं, एक बनता है, एक बनता है। मैंने सुना था कि आपने सलमान खान की कोई वीडियो डाली थी, वो डिलीट हो गई थी। उसमें मैंने सलमान खान को रोस्ट किया था, तो वो वीडियो मेरी एक दिन में 1 मिलियन प्लस चली गई थी। अच्छा। पर पता नहीं क्या चक्कर हुआ, तो वो वीडियो डिलीट हो गई। वही वीडियो किस उठा के किसी ने क्रॉप करके और चैनल वाले ने डाली, उसके 7-8 मिलियन व्यूज थे। अभी है, हाँ, है वो वीडियो। हाँ, हाँ। चलो सही है, वो डालेंगे हम लोग इस पे। अच्छा क्या कहोगे जाते हैं कि यार कितना स्कोप जो लगता है यार रोस्टिंग में है? देखो यार, करोगे इसे सीरियसली, कंटिन्यू करोगे कि हमारे तरह बकचोदी की? नहीं नहीं, इसको करना है मतलब आगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो पहले, आज से 2-3 साल पहले रोस्टिंग कर गए हैं, उस टाइम पे कंपटीशन कम था। बट मेरे को नहीं लग रहा शहर में और कोई कर रहा है क्या? नहीं भैया, रोस्टिंग हमारे जम्मू में कोई नहीं कर रहा ना। नहीं तो फिर क्यों? मतलब देखो, ऑडियंस ना सिर्फ जम्मू से बहुत कम है अगर हम देखें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर पूरे इंडिया में लोग देखें तो फिर बहुत ज्यादा है। अब जैसे कैरी मिनाटी है, लक्ष्य चौधरी है, इन्होंने 3-4 साल पहले रोस्टिंग करी थी, उस टाइम पे कंपटीशन कम था, लोगों ने रोस्टिंग देखी नहीं थी। इस टाइम लोगों ने रोस्टिंग देख ली हुई है, और लोगों को डिफरेंशिएट करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अगर ये रोस्टिंग कर रहा है तो ये भी वही होगी जैसे अच्छा। होती आई है, तो उस चीज में मतलब थोड़ा सा मुश्किल आती है वीडियो को चढ़ने में। आजकल इन चीजों में लोग जो अपना करियर बना रहे हैं, हाँ मतलब सोशल मीडिया में बहुत पैसा है अगर आपका लक चल जाता है। इसमें लक बहुत जरूरी है, एक तो मेहनत, आपको व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको वीडियो डालनी ही डालनी है अगर आपने सोचा है। देखो आप माइंडसेट की गेम है, अगर आपको पता है ना मैंने वहां तक जाना है तो आप जाओगे, चाहे जितना मर्जी आपको बीच में प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैंने भी सुना है, बहुत कुछ सुना है, पर मुझे पता है कि यार मेरे दिमाग में क्या है, मैं कहां फोकस दूं भाई, कि भाई मुझे पता है कि मेरा दिमाग यहां तक चल रहा है तो मैंने ये चीजें सोची है, तुम लोग जो मर्जी बोलो। चलो सही है भाई, बहुत अच्छा लगा, और रोज चिकन भी खाते रहो, डाइट भी बहुत जरूरी है। क्या कहोगे जाते जम्मू के मोटो ब्लॉगर्स को? यही है कि यार मतलब कम करो चलानी, मतलब अच्छे से चलाओ, तरीके से चलाओ, अगले बंदे को भी थोड़ा देख के, किसी पे ना चढ़ जाओ, कहीं भी घुस जाओ, अगले के पास कैमरा की जगह कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना हर बार रोड रेज आपकी स्क्रिप्टेड हो। एग्जैक्टली, अब आपके हथे कोई चढ़ जाए या हमारे आगे कोई आ जाए तो अनस्क्रिप्टेड होगा, फिर वो अनस्क्रिप्टेड होगा। सही सही सही। चलो फॉलो कीजिए इसे विशाल सिंह, वो इंस्टाग्राम पे, और काफी अच्छा लगा। और यूट्यूब चैनल क्या? हाँ इसी नाम से, विशाल सिंह, विशाल सिंह बाबू, और काफी अच्छा ये कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए। और आप बताते रहिए कि अगले पॉडकास्ट में किसको लेके आना है।
कमेंट्स जो है आप ड्रॉप कर सकते हो, और बस प्यार दो हमें, वेफर फॉलो कीजिए, इसको भी फॉलो करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ। थैंक्स अ लॉट, ठीक है ब्रो, ठीक है भैया।